तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आज के इस सेशन में आपके लिए लेके लौटे हैं दोस्तों, जो आपका ACIO के अंदर IB का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर जनरल स्टडीज़ में एक पार्ट है दोस्तों स्टैटिक जीके का, और ये पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रोल रखने वाला है। तो उसी पार्ट से रिलेटेड अपन ने एक टॉपिक उठाया है, फेस्टिवल जो है सारे जो भी राज्य हैं उनके फेस्टिवल्स जो है वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ दोस्तों। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वीडियो में देने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, और ये मैं बता दूं दोस्तों फेस्टिवल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन है लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। लोसर महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख के अंदर, ठीक है। याद कैसे रखोगे, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के वर्ड से आपको याद रखना है, ठीक है, लोसर से लद्दाख, या फिर इसको लोस से याद रख लियो कि लद्दाख के अंदर ज़्यादातर जो है लॉस हो जाता है, ऐसे कुछ अपना बना के याद रख लियो ताकि एग्जाम में ऑप्शन देकर आपको याद आ जाए दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं। लोसर तिब्बती भाषा का क्या है, शब्द होता है, और इसका अर्थ होता है नया वर्ष, मतलब न्यू ईयर के टाइम पर जो है वहाँ पर लद्दाख में लोसर का जो है त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कटी बिहू, काटी बिहू बोल दो या फिर कटी बिहू बोल दो, ये किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में, ठीक है, कटी बिहू, ठीक है। बिहू के 3 रूप होते हैं, और इसमें से एक होता है जो कटी बिहू होता है, मंथ के हिसाब से जो है फसल चक्कर होता है, फसल के जो मंथ होते हैं कैलेंडर होता है उसके हिसाब से ये त्यौहार डिसाइड किया जाता है, ठीक है, ये ऐसा आपको चित्र में देख पा रहे होंगे आप। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले की पॉइंट देख लेते हैं एक बार, बिहू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिवाइज भी होता है क्वेश्चन। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और असम में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है, बोगाली या माघ बिहू जो जनवरी महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ये जरूर पूछ सकता है, ये याद रखना आप, माघ बिहू पूछ सकता है आपको कि कौन से महीने में, क्योंकि हिंदी महीना देके अंग्रेजी महीना आपको आसान से पूछ सकता है, ठीक है, अगर पेपर का ज़्यादा लेवल बनाया अगले ने तो ये जरूर पूछेगा, बाकी तो इतना ही पूछ लेगा कि बिहू के कितने टाइप होते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रोंगाली या बोहाग बिहू जो होता है, बोहाग बिहू अप्रैल में, ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा फिर आता है अंत में कोंगाली बिहू या काटी बिहू जो होता है अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है, काटी, ठीक है दोस्तों, कार्तिक जो होता है ना कार्तिक मंथ उससे रिलेटेड है काटी बिहू, तो ये आप जरूर याद रखना मंथ के साथ जो है अंग्रेजी मंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो फूलदेही जो पर्व है, सॉरी फूलदेही पर्व है किस राज्य से रिलेटेड है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड है फूलदेही, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, फूलदेही, फूलों की जो घाटियाँ होती है वो कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है ना फूलों की घाटियाँ, ठीक है, घाटियाँ कहाँ होती है फूलों की, उत्तराखंड में जो माउंटेन एरियाज है उनके अंदर तो फूलों की घाटियाँ मिलती है ना, तो फूलदेही से याद रख लेना उत्तराखंड, ठीक है। चलो फिर उबोली महोत्सव, उबोली, ठीक है, उबोली कहाँ का है, तो ये कॉमन है, कुछ फेस्टिवल ऐसे भी जो कॉमन होते हैं, तो ऑप्शन के अंदर आपको ओनली एक ही नाम मिलेगा, ये ध्यान रखना, कभी भी दोनों नाम नहीं दे के आता है, तो एक नाम मिलेगा सिक्किम या नेपाल का है, ठीक है, उबोली महोत्सव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उससे पहले की पॉइंट देख लेते हैं, उबोली महोत्सव साकेला राई लोगों का मुख्य पर्व है, राई लोग नेपाल सिक्किम और दार्जिलिंग के निवासी है, ठीक है, एक जातीय समूह है। फिर आता है छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा मनाया जाता है, नाम से याद रह जाएगा दोस्तों, छत्तीस से छेरछेरा, ठीक है, काफ़ी सिमिलर नाम है एकदम, और वैसे आप अगर वीडियो को 2 बार देख लोगे एग्जाम से पहले तो ऑप्शन देके ही आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों, जरूरत नहीं होगी। फिर दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है IB से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, कंटेंट होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा ना, जहाँ से मतलब ट्रेडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं अभी फिलहाल, वो सारे टॉपिक में जो है चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, आदिपुरम, ठीक है दोस्तों, आदिपुरम आपको एक बार रिवाइज करना है, खुद में बोल के रिवाइज करोगे तब ज़्यादा दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हार्ड होती है, कंफ्यूज होता है और गलत हो जाता है क्वेश्चन। आदिपुरम कहाँ का है, तमिलनाडु में। दोस्तों एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, लास्ट में रम जहाँ भी लग रहा है ना, मैं, ये मैं वाला जो लगता है ना लास्ट में मैं, तो ये हमेशा तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है। एक दो अपवाद है, एक दो नाम ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें मैं लग रहा है, लेकिन वो केरल और गोवा से,
इसके अलावा मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा ही होगा कि लास्ट में जो मैं लग के आता ना, चाहे आप डांस देख लेना, चाहे आप फेस्टिवल देख लेना, या फिर और कोई भी चीज़ हो जो कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, स्टैटिक जीके में पूछी जाती है, जहाँ मैं होगा ना लास्ट में, वो हमेशा तमिलनाडु से बिलोंग करेगा ज़्यादातर में, ठीक है। तो ये इस ऐसा ट्रिक से लगाना, मैं ऐसे याद रखता हूँ इन्हें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, गणगौर महोत्सव किस राज्य में, तो गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। गणगौर महोत्सव ये पूछा भी जाता है कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। लगभग मार्च के लगभग ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और फिर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में, तो आपने याद ही रखा होगा। अभी एक मिनट, हाँ अभी मैंने बताया था फूलदेही महोत्सव उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो हरियाली कहाँ होती है, फूलदेही, उससे रिलेटेड है ना लगभग, तो वैसे ही इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखना। हरेला जो पर्व है वो उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। ये आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, याद रखने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू, ठीक है। ये देखो एक ये नाम है, मतलब ये आपको तमिलनाडु से रिलेटेड जो अलग ही नाम मिल जाएंगे आपको, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि तमिलनाडु से जो भी फेस्टिवल होंगे ना, देखो जल्लीकट्टू है, ठीक है, तमिलनाडु से अलग ही नाम मिल जाएंगे जल्लीकट्टू। ये एक मतलब त्यौहार होता है, आप देख पा रहे होंगे ऐसा, इससे भी याद रख लेना, पिक्चर से थोड़ा सा अच्छा बैठता है। बेल होता है, बेल के हिसाब से इसको, मतलब बेल के साथ कुछ ये ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें बेल के साथ इसमें यूज किया जाता है, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जल्लीकट्टू त्यौहार में जो है कौन से पशु का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो हेरत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हेरत, तो हेरत को ऐसे याद रखना हैरान से, ठीक है, कि मैं जम्मू कश्मीर गया और वहाँ की सुंदरता देखकर क्या रह गया, हैरान रह गया, ठीक है। हेरत यानी होता है मैं वहाँ की सुंदरता देखकर हैरान रह गया, जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है या फिर वहाँ की जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखकर, ठीक है, वादिया है ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो मतुआ मेला किस राज्य में मनाया गया, मतुआ, तो मतुआ का है पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। मतुआ जो मेला है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है मनाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है, भूमचू, भूम भूम, ठीक है, सिक्किम में भूम भूम बोलते हैं ना, भूम भूम, तो भूमचू महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम के अंदर, याद रखना दोस्तों। ये देखो ऐसी कुछ कलाकृति होती है, ऐसा रोल होता है, और ये फेस्टिवल जो है ये डांस किया जाता है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है, सांग, तो ये हरियाणा के अंदर होता है, ठीक है, लेडीज शाह होता है लगभग, ये देखो देख पा रहे होंगे चित्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो ओणम महोत्सव किस राज्य में, दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओणम ये केरल का है, देखो मैंने बोला था मैं लास्ट में माँ आएगा ना जहाँ पे, या तो तमिलनाडु या केरल का होगा, मतलब मैक्सिमम में साउथ का ही होता है, ठीक है। ओणम मनाया जाता है केरल का, ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके तो की पॉइंट भी है, देखो की पॉइंट है, केरल के महान शासक राजा महाबली की समर्थि के सम्मान में ओणम का जो है त्यौहार मनाया जाता है, राज्य की कृषि पर्व कहलाता है, इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं, ठीक है, इतना की पॉइंट है जो याद रख लेना, याद रखो। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन, तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी, ठीक है, ओडिशा के अंदर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ अभी है एग्जामों में और ये रिवाइज होता रहता है बार बार। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा के अंदर इस जो पर्व है इसको मनाया जाता है, फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इससे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, पुरी में वार्षिक रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में, तो ये इंपॉर्टेंट है, भगवान जगन्नाथ, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिप्टू क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, जो पुरी है उड़ीसा है उसमें जो वार्षिक देव किस देवता के लिए जो उत्सव मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव होता है, तो किस में मनाया जाता है, तो ये भगवान जगन्नाथ के लिए जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है, हेमिस यानी होता है लद्दाख, तो हेमिस का मतलब होता है कि एकदम बर्फ या फिर ठंडा, ऐसा आ रहा है ना, हेमिस मतलब, हेमिस का मतलब आप बर्फ से, ऐसा वर्ड बन रहा होगा आपके दिमाग में, हेमिस यानी होता है बर्फ, तो बर्फ यानी होता है लद्दाख में, कहाँ होता, ज़्यादातर बर्फ गिरती है ना लद्दाख में, तो इससे याद रख लेना, ठीक है, लद्दाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, वांगला मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, तो
मेघ यानी होता है बादल, ठीक है। मेघ यानी क्या होता है, बादल से लगा लेना, और वांगला से मतलब रखना बंगला। तो बंगला जो होता है, बंगला के अंदर से बादलों को देखने का एक नज़ारा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है ना, लगता। तो बंगला को बंगला कहना, और मेघालय से कहना मेघ यानी बादल। तो बंगले से बादलों को देखने का एक नज़ारा बनता है। तो ऐसे अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना, भूलोगे नहीं कभी भी, एक बार पढ़ लोगे फिर कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। बाकी रटा हुआ होगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा बिल्कुल। वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। गारो और कासी दो जनजातियाँ होती है जो मेघालय में होती है, और ये कई बार ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन को पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। गारो कासी जनजातियाँ कहाँ की होती है, मेघालय की होती है, और ये जो है ना त्यौहार जो होता है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है। काला घोड़ा जो महोत्सव होता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पिक्चर आप देख रहे होंगे दोस्तों। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर, ठीक है। और ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। वैसे जनजाति फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें ये जो है ना पक्षी होता है ना हॉर्नबिल, ये पक्षी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये बहुत बार पूछता है, मतलब क्वेश्चन अगर डीपली पूछेगा ना तो यहीं से पूछेगा। हॉर्नबिल जो पक्षी होता है ना, इसके हिसाब से इसको मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलियाट्टम जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में, ठीक है। ये देखो कलियाट्टम या थेलम, फिर से मैं आ रहा है दोस्तों केरल, ठीक है। अब आप वहाँ ऐसे ऑप्शन से भी कर सकता है। देखो मैंने आपको एक मैं बता रखा ना लास्ट में, मैं आ रहा है ना। अब ये नागालैंड इधर का है, उड़ीसा ये भी इधर का है, झारखंड, साउथ का ओनली एक है, ठीक है। तो आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कलियाट्टम है, अलियाट्टम है, ये मतलब एकदम। ये ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे आपको, डांस में भी मिलेंगे, और जो संगीत होता ना संगीतकार या फिर डांसर जो थी, मतलब ये सारे कल्चर के ही है। मैं सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ आपको, तो देखना उनमें ये मैं लग के मिलेगा आपको, तो वहाँ के नावों में मिलता है ये, तो आप उधर की तरफ याद रखना इसको, ये बहुत बार काम आता है, ठीक है। फिर आता है संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है संगई। वैसे कई बार इसको संगई भी है और संगई भी लिख के दे देते हैं, ठीक है, संगई। तो मणिपुर के अंदर मनाया जाता है संगई महोत्सव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में, उगादी, ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, कर्नाटक से रिलेटेड कल्चर की क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं पेपर में, और ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से संगीत के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कर्नाटक से। चलो ये क्वेश्चन अपन टॉपिक अभी फेस्टिवल्स का कर रहे हैं, उगादी पर्व जो होता है वो कहाँ किया जाता है, कर्नाटक के अंदर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बिहूला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहूला बिहार में। तो इसमें तो कोई ज़्यादा आपको देखना ही नहीं है, देखो बिहू से बिहार आ जाएगा, पर बिहू महोत्सव वो याद मत रखना जो मैंने पहले पढ़ाया आपको, बिहू वो बिहू अलग है, ये बिहूला है। तो ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज मत होना यार, गलत कर दो कभी क्वेश्चन को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। अंबुबाची त्यौहार, तो ये असम में है, अंबुबाची त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। अंबुबाची, ठीक है, अंबू से असम याद रख लेना वैसे, या फिर इसकी कोई अपने दिमाग में और ट्रिक बनती है तो और ट्रिक बना लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अंबुबाची मेला, ये पिक्चर देख सकते हो आप, इससे थोड़ा सा दिमाग में याद रह जाता है। फिर आता है त्रिशूरपुरम, ठीक है, त्रिशूरपुरम, ये देखो फिर से पुरम आ गया ना, पुरम, ये देखो मैं आ गया, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आ गया जहीं केरल लगा दो सीधा सा बस, त्रिशूरपुरम। इतने क्वेश्चन करवा दिए ना, देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं याद, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कर दोगे आप, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ पिक्चर है और ये याद रख लेना, त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, केरल के अंदर मनाया जाता है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में, तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली जानते होंगे वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। और फिर बथुकम्बा उत्सव फूलों का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में। तो दो त्यौहार होते हैं, एक तो बोनालू होता है और एक बथुकम्बा होता है, ठीक है। ये दोनों ही त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, तेलंगाना में, इसको याद रखना, बोनालू बथुकम्बा दोनों को साथ याद रखना, बोनालू बथुकम्बा, बोनालू बोनालू और बथुकम्बा, ठीक है, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। अपने दिमाग में ट्रिक बना लेना और याद कर लेना, ठीक है। अदरवाइज तो वीडियो को दो बार देखोगे तो फिर आपको ट्रिक वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 नंबर की। नववर्ष पुथांडू किस राज्य में मनाया जाता है,
देखो पुथांडू आ गया ना, नवर्स पुथांडू, ये फिर से एक अलग ही नाम है साउथ जैसा, पुथांडू, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो। वैसे वहाँ नववर्ष नहीं देगा, ओनली पुथांडू देगा, ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर याद रखना। फिर आता है अट्टुक्कल पोंगला, पोंगल, पोंगल है, ठीक है, अट्टुक्कल, अट्टुक्कल पोंगल, ये पोंगल बोलते थे वैसे इसे, ज़्यादातर बुक्स में पोंगल लिखा है, यहाँ पोंगाला लिखा है, तो कई बार ये आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है वहीं भी जो है इन्होंने पोंगाला ही लिखा था, तो ये ध्यान रखना। तिरुवनंतपुरम केरल का फेमस है अट्टुक्कल पोंगला, ये थोड़ा सा केरल का आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अपनी मैं वाली ट्रिक नहीं लगी है दोस्तों, हो सकता है कई बार कुछ जगह नहीं लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिर आता बोनालू महोत्सव, तो बोनालू ये मैंने बता ही दिया, बोनालू बथुकम्बा दोनों को साथ याद रखना, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं ये। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर आता है चिथिरई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में चिथिरई, ठीक है, ये वैसे कई बार पूछ लिया जाता है, इतना डीपली तो जाएगा नहीं क्योंकि मेन मेन जो मोस्टली है वहीं पूछता है, लेकिन ये भी एक बार आप याद रख लेना दोस्तों, चिथिरई। फिर आता है योसंग, योसंग कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में है ये योसंग महोत्सव। दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, ये रिवाइज होता है बहुत बार, योसंग जो महोत्सव है मणिपुर का फेमस है, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोइला बोईसाख जो है किस में मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में, पोइला बोईसाख, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो गोर साम कोरा उत्सव भारत और किस देश के बीच में मैत्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो ये भूटान के बीच में है, ये तो मतलब एक दो देशों के बीच में जो होता है ना, मतलब वहाँ की कल्चर वगैरह से रिलेटेड है, जो आसपास के लोग रहते हैं ना वहाँ से रिलेटेड है ये, तो गोरसाम कोरा उत्सव संयुक्त रूप से मनाया जाता है वो। फिर आता है इमोइनू इरतप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में, इमो, ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, मणि में दो अक्षर होता है ना मणि, और इस इमो को बोलना इनो, इनो होता है ना, इनो तो जानते होंगे, तो इनो से याद रखना, मणि इनो, तो इसको याद रखना इमो, इमो हो गया, इनो हो गया, दो तो नाम है और यहाँ पे मणि ही मणि है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, फिर वो ऑप्शन देखते हुए याद आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, पूरे टॉपिक वाइज जो भी बन पाएगा, जो ट्रेडिंग क्वेश्चन जहाँ से आते ही आते हैं, सारे टॉपिक मैं आपको जो है सोल्व करा दूंगा पेपर आने से पहले पहले, ठीक है दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य में जेलिया ग्रोंग समुदाय ने गान नगाई त्यौहार मनाया है, तो ये मणिपुर, ठीक है, ये तो दोस्तों काफ़ी नया ही क्वेश्चन है, मतलब ये पूछा भी नहीं गया अभी तक। जेलिया ग्रोंग समुदाय ने जो है गान नगाई त्यौहार, ये देखो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, मणिपुर का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो नए क्वेश्चन है उनकी मेरे पास ट्रिक भी नहीं है क्योंकि ये आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। फिर आता है गान नगाई त्यौहार को चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों तो मदुरई तमिलनाडु के अंदर, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ठीक है, ये रथ कई बार ज़्यादातर इसको ना रथ उत्सव के नाम से ही देते हैं, वैसे पूरा नाम दे तो ठीक है, वरना तो रथ उत्सव के नाम से ही मिलता है ये, ठीक है, तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो तोकु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तोकु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है दोस्तों, तोकु इमोंग महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तोकू का अर्थ होता है घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्रित करते हैं। इमोंग का अर्थ है उस समय चयनित स्थान पर रुकना होता है, ये तो की पॉइंट्स है, जो अगर याद रखो तो रख सकते हो। हरेली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली, ठीक है। अभी मैंने एक उत्तराखंड में भी बताया था, हरेला था शायद कुछ करके था ना वो, तो उत्तराखंड में भी याद रखना और छत्तीसगढ़ में भी याद रखना, तो ये दोनों का आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इनमें एक ही जैसा नाम है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और मोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है मोंग, ठीक है, ये आप याद रख लेना मोंग मेरे साथ बोलना, मोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में, मोंग नागालैंड, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोसांग जो होता है नामसूंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, लोसांग, तो ये लोसांग जो है सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, लोसांग सिक्किम
ठीक है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। ठीक है दोस्तों, चलो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ये करके मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो मतलब बिल्कुल ट्रेडिंग में हो, आपको भी पता होगा एग्जाम देते रहते हो, तो किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये जरूर आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूँ। जितनी ट्रिक बन पाएगी आपको याद करवाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, 43 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव, ये धनु यात्रा जो है इम्पोर्टेंट है उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, धनु धनु यात्रा जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है अक्सर भी दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो गोवा में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, गोवा के अंदर मनाया गया है। फिर आता है नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा में। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर जो है नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे साथ चैनल के ऊपर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। और चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।